न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले में एक बार फिर से शादी का झांसा देकर किशोरी को हवस का शिकार बनाने का मामला प्रकाश में आया। बताया जाता है कि सतना जिले के निवासी प्रद्युम्न तिवारी ने किशोरी को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता को अपनी मौसी के घर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। किशोरी जब बालिग हुई तो शादी करने का दबाव बनाया, वही आरोपी शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी अपने मौसी के घर में वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। फिलहाल युवती की शिकायत पर महिला थाने ने पुलिस में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पास्को और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि युवक सतना जिले के कुलवा थाना के अंतर्गत रहने वाली बस्ती का है, जो कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी मौसी के घर में पीड़िता को हवस का शिकार बनाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।